चमार जाति का इतिहास क्या है, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि चमार जाति का इतिहास क्या है। चमार जाति का व्यवसाय मुख्य रूप से जूते बनाना, चमड़े की काम और जूते को सिलना इसके मुख्य काम है। शादी विवाह में ढोल बजाना और मरे हुए जानवरों को फेंकना भी इसका काम होता है। चमार दक्षिणी एशिया का एक वर्ग समुदाय है। इस जाति के लोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्य तथा पाकिस्तान और नेपाल आदि देशों में निवास करते हैं। चमार समुदाय को आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चमार अनेक उपजातियों का समूह है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश के चमार जाति महात्मा गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर अपने नाम के पीछे गौतम लगाते हैं। वे चमड़े यानी कि चमड़ा से संबंधित व्यवसाय करते हैं। परंतु इसके विपरीत समुदाय की अनेक उपजातियाँ में कृषि व बुनकरी का कार्य भी प्रचलित था। आज के आधुनिक समय में इस मेहनती समुदाय ने काफ़ी प्रगति की है। उत्पल वंश के शासक चमार समुदाय से थे। राजा चमरसेन चमारों के चमरवंशी चमार से संबंधित है। चमार शब्द की उत्पत्ति चावर चमार या चमार से लिया गया है, जो आमतौर पर अनुसूचित जातियों के लिए अपमानजनक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। परंतु चमार शब्द को एक अपशब्द के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस समुदाय के साथ होने वाले दुर्विचारों को रोकने के लिए कानून द्वारा उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भारत और नेपाल में रहने वाले अधिकांश चमार हिंदू धर्म के मानते हैं। इस समुदाय के सदस्य बौद्ध और अन्य धर्मों को भी फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में पाए जाने वाले ज़्यादातर चमार इस्लाम धर्म को मानते हैं। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना।